मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। भोपाल के साकेत नगर सेवा केंद्र के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस। कैबिनेट मंत्री रवि किरण साहू, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह, बरखेड़ा पठानी भोपाल इकाई के अध्यक्ष गणेश साहू समेत अन्य विशिष्ट लोगों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजू, बीके कंचन समेत अनेक सदस्यों ने राखी बांध कर भेंट की ईश्वरी सौगात। राज्यों का भी बताया महत्व। देश को मैं यही संदेश दूंगी कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया, शहीदों ने बहुत अपने बलिदान दे दिए, उस बलिदान को हम संभाल कर नहीं रख रहे हैं। हम जो देख रहे हैं 20 साल से परिवर्तन जो युवाओं में आ रहा है और हमारी माताओं में आ रहा है, हमारी माताएं तो महारानी लक्ष्मीबाई हैं, उनको देश को संभालना है। जो नवजात बच्चा है और जो बच्चे 10 साल के हैं उनको संस्कार देने की जो कल्पना हम करते हैं कि बच्चा आगे जाके देश संभाले, तो मैं तो यही कहूंगी कि अब हमें दूसरी आज़ादी लाना है ताकि हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, उनको समझाना है कि भाई देश को आपको बचा के रखना है। मन को शांति मिलती है और यह संस्था जो है हमारे देश में सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षार्थ हेतु स्थापित की गई है, बहुत अच्छी बात है। हम हमारे देश के जनता को एक अच्छे आचरण, अच्छी संस्कृति की शिक्षा देते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ब्रह्म कुमारी बहुत ही अच्छी संस्था है, यहाँ पर मैं लगभग 6 महीने से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आना और बहुत सुकून मिलता है और बहुत चेंजेस मेरे अंदर देखने को मिले हैं। और इसी प्रकार सभी लोग ब्रह्म कुमारी से जुड़े और ब्रह्म कुमारी को जितना हो सके सहयोग करें। राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र में इंडिपेंडेंस डे पर नगर सुधार न्यास के आईएएस सचिव ऋषभ मंडल, आईएएस अंडर ट्रेनिंग राहुल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने दी अपनी शुभकामनाएं। और मेरा बस सबके लिए यही मैसेज है कि ये जो स्वतंत्रता मिली है बहुत ही मुश्किल से मिली है, बहुत ही मेहनत और लोगों की तपस्या के बाद मिली है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग उस तपस्या और जिम्मेदारी को जो है उसी इमोशन के साथ निभाए और हमारा जो कमिटमेंट है अपने देश को उसके साथ हम खड़े हैं। कि स्वतंत्रता होते हुए भी आज हम कुछ अशांति, तनाव, असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं, तो आइए भारत माँ को सच्ची स्वतंत्रता का एहसास कराने के लिए और भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अनुभव सुखद देने के लिए हम अपने अंतर्मन में चिंतन करें और अपने मनोविकारों की गुलामी को, परतंत्रता को त्यागने का संकल्प करें। छत्तीसगढ़ कोरबा के टीपी नगर सेवा केंद्र पर स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन पर दिखा काफी उत्साह। महापौर राजकिशोर प्रसाद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुकमणी, बीके बिंदु ने पर्व की दी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का पर्व बताया तो स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना ही परम कर्तव्य है। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की खुशी मना रहा है। कितने वर्ष हो गए स्वतंत्रता को, लेकिन फिर भी अभी सच्ची स्वतंत्रता आई नहीं है। तो परमात्मा आकर के जब आत्मा को पवित्रता का बंधन बांधते हैं तब आत्मा विकारों से अर्थात अपने कड़े संस्कारों के बंधन से मुक्त होती है, वही आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता है। ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्यालय माउंट आबू स्थित यूनिवर्सल हॉल में जश्न आज़ादी कार्यक्रम। कई स्कूलों के बच्चों ने देशभक्ति के गीतों में दी मनमोहक प्रस्तुति। माउंट आबू के एसडीएम गौरव सालुखे ने बच्चों को पुरस्कार किया प्रदान। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्वतंत्रता दिवस के प्रशासनिक कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी आमंत्रित, विधायक, एडिशनल एसपी, कमिश्नर व अंबिकापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने किया ध्वजारोहण। ग्वालियर के संगम भवन और प्रभु उपहार भवन सेवा केंद्र पर भी पर्व को लेकर दिखा काफी उत्साह। ब्रह्म कुमारी, ग्वालियर प्रेस क्लब और मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के प्रयास से राष्ट्रीय गौरव के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा। बीके आदर्श ने सभी को व्यसनों से दूर रहने की दिलाई शपथ। ग्वालियर प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश शर्मा, सचिव सुरेश शर्मा समेत अनेक विशिष्ट लोग उपस्थित। महाराष्ट्र में कल्याण ईस्ट के एमएलए ऑफिस में हनुमान नगर सेवा केंद्र के बीके रेणुका और बीके रानी ने स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। विधायक की धर्मपत्नी सुलभा गणपत गायकवाड़, बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेंद्र सूर्यवंशी, देश के पूर्व सैनिक भाइयों को भी राखी बांध कर दिया ईश्वरी संदेश। महाराष्ट्र के कोलसेवादी पुलिस स्टेशन के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ कल्याण ईस्ट हनुमान नगर सेवा केंद्र की बीके बहनों ने मनाया अलौकिक रक्षाबंधन। बीके रेणुका और बीके रानी ने सीनियर पीआई अशोक कदम समेत अन्य लोगों को परमात्मा की याद से अपने जीवन की रक्षा करने का दिया संदेश। गुजरात भरूच के झाडेश्वर और गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा आजादी के रंग योग के संग विषय के अंतर्गत सुंदर योग उत्सव का आयोजन। सुजनी के प्रेसिडेंट रिजवाना जमींदार, बीजेपी के कोषाध्यक्ष अनिल राणा, पूर्व नगर पालिका प्रमुख सुरभि, योग बोर्ड की योग कोऑर्डिनेटर बीके भावनी, बीके अमिता समेत सभी ने मिलकर किया राजयोग, साथ ही फहराया राष्ट्रीय ध्वज। इसके साथ ही सुरेंद्र नगर में एमपी शाह कॉमर्स कॉलेज में भी मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। बीके हर्षा ने फहराया तिरंगा। राजस्थान धौलपुर के बाड़ी में जिला कलेक्टर निधि बीटी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा को बीके रेणु, बीके प्रियंका समेत अनेक लोगों ने रक्षा सूत्र बांध कर दी ईश्वरी सौगात। बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट सेवा केंद्र के द्वारा चिगुरु वुमेन्स एसोसिएशन में मनाया गया रक्षाबंधन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कल्याणी ने राखी बांध कर बुराइयों से मुक्त बनने की दी प्रेरणा। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर माइको लेआउट पुलिस स्टेशन में बीटीएम लेआउट सेवा केंद्र प्रभारी बीके कल्याणी ने बांधी राखी। स्वयं को राज्यों के द्वारा विकारों से मुक्त करना ही सच्ची स्वतंत्रता बताया। वहीं आगे एसजी पालिया पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल समेत सभी को बीके कल्याणी ने रक्षा सूत्र बांध कर सेवा केंद्र पर आने का दिया निमंत्रण। दिल्ली के दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र में धूमधाम के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। लेफ्टिनेंट दिनेश चंद पापने, ऑटोमेट इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पीके जैन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके इंद्रा, बीके गीता और बीके नीता समेत सभी ने राष्ट्र ध्वज फहराया। वहीं मुंबई के मीरा रोड सेवा केंद्र पर धूमधाम से मनाया गया आजादी का महोत्सव। बीके रंजन ने आदिकाल भारत की गरिमा और संस्कृति का किया वर्णन, तो अन्य लोगों ने गीत व नृत्य के द्वारा देशभक्ति का दिखाया जज्बा। आगरा के आर्ट गैलरी म्यूजियम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। देश नशे से स्वतंत्र थीम के तहत बीके सदस्यों ने की प्रतिज्ञा। वहीं सामाजिक वानिकी वन प्रभाग ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ब्रह्म कुमारी को किया आमंत्रित। बीके संगीता, बीके गीता, डीएफओ आदर्श कुमार और सहायक डीएफओ अरविंद मिश्रा ने लगाए पौधे। सभी को बीके बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र। श्रावण मास के उपलक्ष्य में सारंगपुर में बटकेश्वर महादेव की श्रावणी सवारी में ब्रह्म कुमारी का झांकी के माध्यम से परमात्मा संदेश। राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल, उपाध्यक्ष नीलेश वर्मा और कलेक्टर सहित कई प्रशासनिक लोग उपस्थित। कपिलेश्वर महादेव पर काली सिंध के तट पर आरती के साथ कार्यक्रम का हुआ समापन। महाराष्ट्र पुणे के दीघी सेवा केंद्र पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इंडिपेंडेंस डे। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बापू साहब, उप निरीक्षक अवधूत सिंघारे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने फहराया राष्ट्र ध्वज।
मुंबई के वाशी सेवा केंद्र पर घर घर तिरंगा झंडा अभियान में झंडा वंदन कार्यक्रम, नगर सेवक प्रकाश मोरे, शिल्पा मोरे, समाज सेवक तुकाराम नाइक, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने किया झंडा वंदन, सभी ने दी शुभकामनाएं। इंदौर प्रेमनगर के बिजलपुर उपसेवा केंद्र के द्वारा इंडिपेंडेंस डे पर चलाया गया नशा मुक्त भारत अभियान। बैंक मैनेजर बद्रीलाल चौधरी, प्रेमनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि, स्थानीय उपसेवा केंद्र प्रभारी बीके यशवनी ने निस्वार्थ भाव से समाज का कल्याण करने की दी प्रेरणा। मैं सोचता हूँ सभी भाइयों को, बहनों को इस मोबाइल से बच्चों को मुक्ति दिलाए। बच्चों आपको संकल्प लेना है, छोटे बच्चों देखो पढ़ना है और पढ़ने का साधन हमारे पास किताबें हैं। हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं वरिष्ठ लोग, उस समय कोई मोबाइल हुआ करते नहीं थे, जो भी टीचर या शिक्षक हमको स्कूल में ही पढ़ाते थे, ठीक है, उन्हीं किताबों से ही पढ़ते थे। जोधपुर सेवा केंद्र पर 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आयोजन, पार्षद विक्रम सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बिकेशील ने सभी को दी शुभकामनाएं। ध्वजारोहण कर सभी ने किया राष्ट्रगान, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न। इंदौर के प्रेमनगर सेवा केंद्र के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पर्व। डॉक्टर मूलचंद हरगुनानी, समाज सेवी पूनम वाधवानी, प्रभारी बीके शशि समेत अनेक लोगों ने दी शुभकामनाएं। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा, मैं दूसरों को व्यसन मुक्त जीवन जीने में मदद करूंगी। रीवा के झीरिया सेवा केंद्र में प्रभारी बीके निर्मला ने ध्वजारोहण करते हुए नशा मुक्त रहने की कराई प्रतिज्ञा। पूर्व महापौर ममता गुप्ता समेत अनेक लोग उपस्थित। मध्य प्रदेश के मंदसौर सेवा केंद्र पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पर्व। सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा समेत कई लोग उपस्थित। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर खीरपाई में सामाजिक सांस्कृतिक चेतना प्रसार मंच द्वारा इंडिपेंडेंस डे पर सेलिब्रेशन। ब्रह्म कुमारी सामंत्रित, बीके वंदना, बीके नंदुलाल समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने रैली में लिया भाग। आगरा के सादरा सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके विनीता, बैंक ऑफिसर मंजू, माउंट आबू से बीके तेजपाल ने इंडिपेंडेंस डे की सभी को दी शुभकामनाएं। यूपी हाथरस के अलीगढ़ सेवा केंद्र पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही पूर्व फौजियों के द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में बीके शांता समेत अन्य बहनों ने की सहभागिता। नशे से दूर रहने और पर्यावरण संरक्षण की दिलाई शपथ। सांसद एवं भाजपा जिलाध्यक्ष को बीके बहनों ने बांधी राखी। जयपुर के पीस पैलेस सेवा केंद्र पर आजादी के दिन दिखा सभी में उत्साह। सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा ने दी पर्व की शुभकामनाएं। वहीं जयपुर के अर्जुन नगर सेवा केंद्र पर बच्चों के द्वारा देशभक्ति नृत्य की दी गई प्रस्तुति। बीके भावना ने सच्ची स्वतंत्रता का बताया अर्थ। महाराष्ट्र कोल्हापुर के पीस पैलेस सेवा केंद्र में आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान, पुणे की मेरा सोसाइटी सब जोन प्रभारी बीके सुनंदा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने मनोविकारों पर जीत पाने का किया आह्वान। नवापारा राजी में क्षेत्रीय संचालिका बीके पुष्पा, सह संचालिका बीके प्रिया ने ध्वजारोहण कर तिरंगे का किया सम्मान। दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी सेवा केंद्र में बीके तनुजा ने सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ बताया। बीके मुस्कान ने किया सुंदर नृत्य। वहीं इंदौर के शिव शक्ति नगर स्थित प्रभु निधि भवन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 15 अगस्त। पार्षद राजीव जैन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता ने श्रेष्ठ कर्म करने और बुराई को छोड़ने की कही बात।
चंडीगढ़ धनाज सेवा केंद्र पर तिरंगा रैली पहुंची पूर्व मेयर अरुण सूद, सीनियर डिप्टी मेयर कुलजीत संधु, पार्षद सतिंदर सिंह सिद्धू, सेवा केंद्र प्रभारी बिकेलाज ने फहराया शिव ध्वज। इंदौर के श्री साई गंगोत्री विहार सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके सीमा ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को किया याद, ध्वजारोहण भी संपन्न। यूपी के बाराबंकी सेवा केंद्र और ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवा प्रभाग द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लगाए गए 73 पौधे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनुराधा, बीके प्रीति, मोहनलाल वर्मा इंस्टीट्यूट के प्राचार्य एचएन चौधरी समेत अन्य लोगों ने धरती को स्वच्छ व हरा भरा बनाए रखने का लिया संकल्प। राजस्थान दौरा बांदीकुई नंदगांव सेवा केंद्र पर बीके ममता और बीके राधा ने आजादी पर डाला प्रकाश। भोपाल के साकेत नगर सेवा केंद्र के द्वारा संकल्प नशा मुक्ति केंद्र में स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा। केंद्र के परामर्शदाता सर्वेश निगम सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजू ने राज्यों के द्वारा आंतरिक शक्ति को बढ़ाने पर दिया जोर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के आसमा सिटी होम्स कॉलोनी सेवा केंद्र पर सावन के पवित्र मास में उत्सव का आयोजन। गणपति नर्सिंग होम के संचालिका डॉक्टर विभा सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा ने राज्यों के द्वारा दिव्य अनुभूति करने के लिए किया प्रेरित। मध्य प्रदेश केसली में स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के अवसर पर बीके संध्या, बीके किरण ने विकारों के आजादी से मुक्त बनने की दी प्रेरणा। आगे इंदौर के सुदामा नगर सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में बिजनेसमैन नंद कुमार पाटिल, बीके दामनी, बीके शैल ने वीर सपूतों को याद करते हुए सच्ची स्वतंत्रता मनाने का किया आह्वान। महाराष्ट्र के ठाणे सेवा केंद्र की ओर से कृषि विभागीय कार्यालय में रक्षाबंधन कार्यक्रम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर सरला ने पर्व का बताया आध्यात्मिक रहस्य। मध्य प्रदेश के बैतूल में निकाली गई 12 ज्योतिर्लिंग की दर्शन यात्रा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत अनेक सदस्यों का रहा मुख्य योगदान। दिल्ली के जयनगर सेवा केंद्र पर 15 अगस्त के उपलक्ष्य में निकाली गई रैली, सभी ने उमंग उत्साह से लगाए नारे। वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना सेवा केंद्र में राजयोग एवं आध्यात्मिक शिक्षा से नशा मुक्त भारत थीम पर रखा गया विशेष कार्यक्रम। पन्ना, ककरहटी, गुनौर, पडेरी और मोहंद्र के कई गांवों व स्कूलों में दिया जा रहा नशा मुक्त जीवन बनाने का संदेश। चेन्नई के कोडुंगयूर सेवा केंद्र पर माउंट अबू से वरिष्ठ राजयोगी पी के भगवान ने स्वस्थ सुखी जीवन के लिए सकारात्मक नजरिया बनाने की दी प्रेरणा। प्रभारी बी के वनिता भी मौजूद। वहीं चेन्नई के मोगा पैर सेवा केंद्र पर बी के भगवान ने राज्यों के द्वारा अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखने की कही बात, बी के देवर अम्मा ने भी रखे विचार। फास्ट न्यूज में इतना ही, अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।